लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। हेलो डैनियल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे कुछ देर बात करने के बाद डैनियल जेनिफर को उसके साथ बाहर घूमने बुलाया और जेनिफर को ना चाहते हुए भी अंकल आंटी का कहा मानकर उसके साथ जाना पड़ा। जेनिफर, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही शांत रहती हो या फिर ये शिमला का असर है? इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिससे तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है? आमिर, कुछ तो होगा जिसमें तुम खुश होती होगी। हाँ है ना, वायलिन। आई लव टू प्ले वायलिन। ओ वाओ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो वायलिन बजाना नहीं आता। पर डेविड को आता है बहुत अच्छे से। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ओके, पर ये डेविड कौन है? माय कॉलेज फ्रेंड, और मैं उससे वायलिन सीखती थी। जेनिफर, आज यू नो दैट हमारी शादी पक्की हो गई है, इसीलिए मैं तुमसे मेरे बारे में सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बात? यही कि आई वॉज इन लव विद सोफिया। अच्छा, फिर आप उससे शादी क्यों नहीं किए? मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज में जो होता है वही हुआ। सोफिया के घर पे राजी नहीं हुए और उसकी किसी जान पहचान के यहाँ शादी करवा दिया गया। बस यही मेरी सच्चाई थी। अब तुम बताओ, तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो ना? आई डोंट नो, आई मीन क्या कहूँ मैं? मैंने तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में जैसे कुछ चल रहा है और तुम शादी करना नहीं चाहती। बताओ मुझे, क्या बात है? मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। कॉलेज में सब मेरे पीछे दीवाना थे, पर मैं जिस दिन डेविड से मिली वो वायलिन प्ले कर रहा था और तुम उसके प्यार में पड़ गई। Is that right? नहीं पता, I'm confused। मैंने कभी उसके साथ इस बारे में बात नहीं की और ना ही उसने मुझसे। फिर जेनिफर ने शुरू से डैनियल को वो सारी बातें बताई जो डेविड के साथ मिलने के बाद हुआ था। तो ठीक है, अगर तुम्हारे बीच ऐसा कुछ कनेक्शन होगा और डेविड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर तुम फ्री हो जेनिफर। मैं खुद डेविड के साथ तुम्हारी शादी करवाने मदद करूँगा। पर अगर वो शादी से पहले यहाँ पे नहीं पहुँच पाया तो नसीब में जो होगा उसे ही अपना लेंगे हम। काश जेनिफर अब मेरे पास होती, उससे मैं बहुत बात करता। पर उस दिन जब जेनिफर मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, तब वो कुछ बोल रही थी कि जब से मुझसे मिली है कुछ बदल सा गया है उसके अंदर। क्या वो मुझसे प्यार करने लगी है? शायद मैं भी जेनिफर को चाहने लगा हूँ। पर अब जेनिफर तक मैं पहुँचूँ कैसे? कहाँ रहती है वो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आंटी, मुझे एक दोस्त के साथ बात करनी है, क्या मैं लैंडलाइन से कनेक्ट कर सकती हूँ? दोस्त के साथ? क्या नाम है? रिया। ओ रिया, हाँ ठीक है, पर तुम पहले ये बताओ कि डैनियल से शादी की बात सोची या नहीं? जी जी आंटी, हमारे बीच बात हो गई है। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम्हारे माँ पापा दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे जेनिफर, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा तो तुम बात करो अपनी दोस्त से, मैं चलती हूँ। हेलो जेनिफर, तू कैसी है यार? बहुत याद आती है तेरी। अखिल भी बहुत मिस करता है तुझे,
लगता है वो सच में तुझसे बहुत प्यार कर रहा था। रिया, डेविड आता है ना कॉलेज, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ला सकती हो प्लीज, इट्स अर्जेंट। डेविड का कॉन्टेक्ट नंबर? अब मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से लाऊं? वो तो चला गया है यहाँ से। चला गया? कहाँ चला गया? एक्चुअली कुछ दिन पहले एक लड़की को लेकर हमारे कॉलेज में आया था। वो पूछने पर बोला कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और दोनों की एंगेजमेंट भी जल्द ही हो जाएगी, इसीलिए अभी दोनों यूरोप ट्रिप पे गए हैं। क्या? इसका मतलब डेविड की गर्लफ्रेंड है? हाँ, तुझे नहीं पता था क्या? नहीं। और रिया, डेविड मेरे बारे में नहीं पूछा? तेरे बारे में? वो क्यों तेरे बारे में पूछेगा? हाँ, बस एक बार बोला था कि एक्चुअली वो बहुत गुस्सा था ना, इसीलिए ऐसे बोला होगा। क्या बोला उसने, बता तो सही। यही कि अगर तेरे साथ उसकी मुलाकात नहीं होती तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होना पड़ता। तुझे वायलिन सिखाना खामोखा भारी पड़ गया है उस पे। डेविड मेरे बारे में ऐसे सोचता है? पर मेरा इस सब में क्या कसूर? और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, दोनों यूरोप घूमने गए हैं, और मैं यहाँ पे डेविड के बारे में सोच सोच कर पागल हुए जा रही हूँ। काश मुझे ये सब पहले पता होता। आज रिया के मुंह से डेविड के बारे में इतना सब सुनने के बाद जेनिफर खुद को संभाल नहीं पाई और दरवाजा बंद करके अपना वायलिन पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसके कानों में वही धुन गूंज रहे थे जो उसे डेविड ने सिखाया था। तू तो जेनिफर को डेविड के बारे में इतना सब झूठ बोल के दुखी कर दी रिया। तो क्या करती मैं, डेविड को जिस दिन से जेनिफर ने देखा और उसके प्यार में पड़ गई, ठीक उसी पल से मैं भी डेविड से प्यार करने लगी हूँ। अब तो जेनिफर जा चुकी है ना, फिर मैं उससे डेविड का कॉन्टेक्ट नंबर देकर अपना चांस क्यों बिगाड़ती? और डेविड को जेनिफर के बारे में क्या बोली है तू? यही कि उसकी शादी शिमला में किसी रईस खानदान में पक्की हो गई है, वो और कभी मुंबई वापस नहीं आएगी, और जेनिफर अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है, खुश है उसके साथ। जेनिफर, जेनिफर, अरे डोर क्यों क्लोज की हो बेटी, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी आओ बाहर। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज है जो आंटी सुबह से बोले जा रही है? हेलो जेनिफर, कैसी हो बेटी? पापा, मॉम, आप दोनों? हाँ, हम दोनों अपनी बेटी के पास आ गए हैं। ऐसे अचानक से? क्या बात है मॉम? अरे पगली, आंटी ने हमें गुड न्यूज दिया कि तुम डैनियल से शादी करने मान गई हो, और हम सीधा यहाँ पे पहुँच गए ताकि तुम दोनों की एंगेजमेंट जल्द से जल्द करवा दें। एंगेजमेंट डैनियल के साथ? अच्छा प्लान बनाई है तू, मान गई मैं। पर क्या तू श्योर है कि डेविड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड की बात तो पता नहीं, और एक बात पता है तुझे? मैंने डेविड को उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगा तो उसने मुझे सीधा सीधा मुंह पे ही मना कर दिया और बोला कि जिसके साथ वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना चाहता था वो तो नहीं रही यहाँ पे। क्या वो जेनिफर के बारे में ऐसे बोल रहा था? लगता है दिल दोनों तरफ से धड़क रहा है। उधर शिमला में जेनिफर डेविड के बारे में सोच रही है और डेविड इधर जेनिफर के बारे में। वैसे रिया, डेविड तो सच में 4 दिन से कॉलेज नहीं आया, वो गया कहाँ है? शिमला आके 2 दिन हो गए हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे कॉलेज भी घूम लिया, पर जेनिफर कहीं नहीं दिखी। ओ गॉड, प्लीज प्लीज मुझे एक बार जेनिफर से मिला दो, मुझे उससे कुछ कहना है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।